हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 13 एपिसोड में आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बारे में। क्या आपको कमर में दर्द है, साइटिका है, L4, L5, L5S1 में डिस्क बल्जिंग है? क्या आपके कमर की नस दब गई है? क्या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है? क्या आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? और जब भी कमर में नस दबती है, साइटिका होता है, तो लोग क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिससे आगे चल के उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। जब भी हमको कमर में दर्द होता है, डिस्क में बल्जिंग होती है या कमर की नस दबती है, सियाटिका होता है, तो हम इसको पहले बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये हर लोगों की मेंटेलिटी होती है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको दवाइयां दी, बेडरेस्ट की सलाह दी और एक्सरसाइज करने के लिए बताया, लेकिन हम दवाइयां खा लेते हैं, बेडरेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब दवाइयों का असर खत्म होता है तब कंडीशन जस की तस फिर वैसे ही हो जाती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर MRI देख के बताते हैं कि आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है। इससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इधर उधर लोग भागने लगते हैं। कई बार तो लोग बोन सेटर के पास, पहलवान के पास चले जाते हैं। ऐसे केस बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास और वो अपनी कमर में झटका दिलवा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, उनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसा ना करें। आप किसी भी पहलवान के पास, किसी भी नीम हकीम के पास, किसी भी बोन सेटर के पास ना जाएं। हम यहाँ पे कायरोप्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। कायरोप्रैक्टर एक टेक्निक है, यहाँ पे हम सिर्फ बोन सेटर की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस कंडीशन में ऑपरेट करवा लेना चाहिए और किस कंडीशन में आपको ऑपरेशन कराने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन एक लास्ट ऑप्शन है। जब किसी भी चीज से आपको फायदा नहीं मिलता है तब आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए और सोचना चाहिए। तो जब भी आपके कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो, जब भी आप लेटे हो तो आपको बहुत ज्यादा दर्द, स्टिफनेस, जकड़न महसूस होती हो, आपको दर्द की वजह से रात में नींद ना आती हो, आप जब भी करवट बदलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, सोचना पड़ता है कि अब हमको करवट बदलना है, या अगर आपको लेट के बैठना है तो आपको सोचना पड़ जाता है, आपको जो है लेट के बैठने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता हो, 5 से 10 मिनट वक्त लग जाता हो, या बहुत से लोगों को तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जब उनका नॉवेल पॉइंट जो होता है उसके नीचे पूरा पैर सुन्न हो जाता है। अगर उनसे कहा जाए कि वो चलिए तो वो चल नहीं पाते हैं, बल्कि उनका घुटना जो है वो मुड़ जाता है, घुटने में पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर उनको जूता पहनाया जाए, चप्पल पहनाया जाए तो उनको महसूस नहीं होता है। अगर उनका अंगूठा पकड़ा जाए तो अंगूठा उनको अगर कोई पकड़ता है तो उनको महसूस भी नहीं होता है। अगर उनके पैर में निडिल चुभाई जाए तो उनको भी महसूस नहीं होता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चलते चलते गिर जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन करने की सलाह दे सकते हैं। या उनका पंजा जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है, उनका फुट ड्रॉप हो गया है और उनकी टांग पतली हो रही है और मसल्स में बिल्कुल भी जान नहीं है, उनकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है, इस कंडीशन में भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। या कई बार ब्लैडर बाउल की भी दिक्कत हो जाती है कि उनको लैट्रिन बाथरूम को होल्ड करने में दिक्कत नहीं होती है, पेशाब उनकी हो जाती है, लैट्रिन उनको हो जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है, लैट्रिन की जगह और पेशाब की जगह उनकी बिल्कुल शून्य पड़ जाती है, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी कह सकते हैं। या उनको कब्ज की दिक्कत हो, पेशाब बहुत स्लो होता हो, जब भी वो पेशाब कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लैडर बिल्कुल भरा भरा है, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए कह सकते हैं। या कई बार दवाइयों के जरिए, फिजियोथेरेपी के जरिए, एक्सरसाइजेस के जरिए और बेडरेस्ट के जरिए भी उनको आराम नहीं मिलता है और साल भर में उनको 3-4 बार ये कंडीशन से गुजरना पड़ता है, उनको अटैक बार बार 3 से 4 बार आते हैं, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए कह सकते हैं। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जिनके भी कमर में नस दबती है, 95% केस बिना ऑपरेशन के ठीक किए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि 95% केस बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकते हैं। केवल 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं और उनका ऑपरेशन किया जाता है। तो वो 95% लोग कौन होते हैं जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं? उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट बदलनी पड़ेगी,
तभी आप कमर के दर्द से, साइटिका से, डिस्क में बल्जिंग से या कमर के जिनके भी नस दबती है तभी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो किस कंडीशन में हमको ऑपरेशन कराने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए, जिनके भी कमर में दर्द हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, तो उनको पेशेंट को टिंगलिंग होती है पैरों में, झनझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में जकड़न बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक बात को नोट कर लेना है कि हम अच्छे से चल पा रहे हैं कि नहीं, हमारा पैर चलते चलते लचक तो नहीं जा रहा है, और जब भी हम रेस्ट कर लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमको आराम मिल जाता है, ये पेन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होता, यानी कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, या जब भी हमको मौसम बदलता है तब हमारे दर्द शुरू हो जाता है, या हमको यूरिन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमको ब्लेडर बाउल की दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि ऑपरेशन कराने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए, या आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो बड़ी बड़ी गलतियां क्या होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को आगे चल के फ्यूचर में ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो वो जब भी उनको ये पता चलता है एक्सरे के जरिए या MRI के जरिए कि हमको कमर की नस दब रही है, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा ही है, ये ठीक हो जाएगा बेडरेस के जरिए, दवाइयों के जरिए। लेकिन ये दवाइयों के जरिए ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसको सिर्फ आप अपने माइंडसेट को बदलकर, अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर और हेल्दी डाइट लेकर आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप इसको बेडरेस के जरिए ना ठीक कर सकते हैं, ना दवाइयों के जरिए ठीक कर सकते हैं। ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी 18 साल के लड़के का हमारे पास फोन आया था, वो ये कह रहा था कि हमने 10-15 दिन एक्सरसाइज किया लेकिन हमको एक्सरसाइज के जरिए आराम नहीं मिला। हमने उससे पूछा कि ये दिक्कत आपको कब से है, तो वो बता रहा था कि हमको ये दिक्कत 2 साल से है। तो हमने उसे कहा कि 2 साल की दिक्कत है और आप 15 दिन में ठीक कर लेंगे, तो उसने कहा कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। तो हमने कहा आपने दवाइयाँ 2 साल खा ली, आपको आराम मिला, तो वो कहने लगा हमको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो जब उसको दवाइयाँ वो 2 साल से खा रहा है और उसको आराम नहीं मिला, तो हमने उससे कहा कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं, तो कहने लगा कि आप हम प्रॉपर वे में रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ही ना जाने कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये दवा के जरिए ठीक होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। यंगस्टर, खास तौर से लड़के जो बहुत ज़्यादा बाइक तेज चलाते हैं और अपनी डाइट की परवाह नहीं करते हैं, और उनको 18 साल से लेके 15 साल के लोगों को हमारे पास फोन आ रहा है और वो कमर का दर्द और उनके कमर में नस दब रही है, बताइए उनके फ्यूचर में क्या होगा, आगे चल के उनको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो लड़कों से हमारी खास सलाह है कि वो इन सब बातों को समझें और माने, तभी आप कमर के दिक्कत से बच सकते हैं। और कई बार हमारे पास महिलाओं का भी फोन आता है, गृहिणियों का भी फोन आता है कि हम भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रही हैं तो वो भी कहती हैं हम एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं। भारतीय महिलाओं की ये दिक्कत होती है, उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि वो अपने परिवार को तो वक्त देती हैं लेकिन अपने शरीर पे वक्त बिल्कुल भी नहीं देती हैं। तो आपको भी ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो फिट रहेंगी तभी उनका परिवार चलेगा, क्योंकि आप हैं तो परिवार है। तो आप एक्सरसाइज को करिए और फिट रहिए। अगर कमर के दर्द से, साइटिका से, डिस्क में बल्जिंग से या कमर के नस दबने से आपको बचना है, तो आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे आपको एक पोजीशन में बहुत देर तक नहीं बैठना है, सोफे पे नहीं बैठना है और फॉर्म के गद्दे पे नहीं सोना है, आगे झुकना नहीं है, आगे झुक के कोई सामान नहीं उठाना है, भारी सामान नहीं उठाना है। ये छोटी छोटी चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। कई लोग जब भी बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं तो वो बेल्ट नहीं लगाते हैं। बेल्ट ना लगाने की वजह से उनकी कमर में झटका लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आप जो है कमर की बेल्ट ज़रूर लगा लीजिए। कमर की बेल्ट कैसे लगानी है, कितनी देर तक लगानी है और कौन सी बेल्ट लगानी है, क्योंकि मार्केट में कई तरीके की बेल्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए आई बटन पर आप क्लिक करिए, वहाँ जाकर आप ये वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और आपको खान पान में भी बदलाव लाना पड़ेगा। आपको फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट बंद चीज़ें जो मार्केट में मिल रही हैं, स्मोकिंग और ड्रिंक, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और आपको हेल्दी डाइट लेनी है, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, तभी आप कमर के दर्द से, साइटिका से और जिनके भी कमर में नस दब रही है, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें।
अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कमर की नस दबी है, L4, L5, L5S1 में आपके डिस्क बल्जिंग है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं एक्सरसाइज के जरिए, तो ये वाला वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।